हेलो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की जो पहली कड़ी थी प्रेजेंट टेंस उसको समझाया। अब मैं आपको पास्ट टेंस समझाने जा रही हूँ। पास्ट टेंस के भी प्रेजेंट टेंस की तरह ही चार भाग होते हैं। उसमें से पहला भाग होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्य की पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, यी, आ, ई, ए। और आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें किस में पास्ट इनडेफिनिट टेंस आएगा उसके लिए आपको कुछ पहचान की आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ पर कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, वो एडवर्ब मैं आपको बताऊंगी। वो एडवर्ब होते हैं यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, एगो, द अदर डे। और इसी के साथ में पास्ट हैबिट, हिस्टोरिकल फैक्ट बताने में भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इसका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहां हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डू और डस का यूज किया वहां हम यहाँ पास्ट इनडेफिनिट टेंस में डिड का यूज करेंगे। और जहां पर भी डिड आता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। साथ ही एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के काम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई एडवर्ब दे दिया जाता है। और एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि नेगेटिव सेंटेंस का होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना कोई भी काम करने के लिए आपको रोकना प्लस इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ भी आपको अदर वर्ड दिया जाता है। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा बनता है WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जो बनता है वो बनता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल डिड यू गो देयर लास्ट नाइट। और जो WH वर्ड से बनता है वो होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल व्हाई डिड यू कम हियर यस्टरडे। इसमें चाहे आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी, इट या नेम कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। इस टेंस का यूज पास्ट में कोई भी काम करने की अगर किसी की कोई आदत होती है, किसी का कोई हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट होता है उसको शो करने के लिए भी किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की पोजीशन, उसकी कंडीशन कैसी थी ये शो करने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो इस टेंस में वॉज या वर का यूज बहुत ही कम किया जाता है लेकिन जब वॉज और वर्ब का प्रयोग करना होता है तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट देना नेसेसरी
हो जाता है, जैसे आई वॉज हैप्पी, दे वर फार्मर एटसेट्रा। ये मैंने आपको पास्ट इनडेफिनेट टेंस समझाया। एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो नेगेटिव स्ट्रक्चर था उसमें डिड नॉट, और जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर था उसमें डिड बाहर निकाला या WH वर्ड के साथ में डिड। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, शी रिटर्न फ्रॉम पुणे लास्ट मंथ। इट वॉज एग्जैक्टली 5 years एगो टूडे दैट वी गॉट मैरिड। यहाँ पर एगो आया तो हमने जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया। द पुलिस कॉट द थीफ यस्टरडे, यस्टरडे आया तो कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट का यूज किया गया। आई हैड ए लेटर फ्रॉम माई फादर लास्ट वीक। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हैड कैसे आया, अभी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात हो रही थी तो यहाँ हैड कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में आपको एज ए फर्स्ट फॉर्म हैव दिया हुआ है। हैव और हैज, इसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है, इसीलिए यहाँ पर हमने यूज किया हैड, तो ये सेंटेंस बना आई हैड ए लेटर फ्रॉम माई फादर लास्ट वीक। शी डिड नॉट वर्क हार्ड लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर शी डिड नॉट वर्क हार्ड। सुमित डिड नॉट विन द प्राइज यस्टरडे। डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, वाई डिड यू लीव द ग्राउंड एट द लास्ट मोमेंट। शी वॉक्ड इन द मॉर्निंग इन हर यंग एज, ही वॉज ए वॉरियर। ये कुछ सेंटेंसेस है जो कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस के है। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की ओर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हिंदी वाक्य की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके एडवर्ब होते हैं एट दैट डे, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, इन दोज वीक्स, इन दोज इयर्स, व्हेन, व्हाइल एटसेट्रा। और इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और फिर से हमें यहाँ पर एक प्रोनाउन टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया जाता है और कहाँ पर वर्ब का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आई के साथ में वॉज का, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल होता है उसके साथ में वर्ब का, ही, शी, इट, कोई भी नेम अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है उसके साथ में वॉज का। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वॉज इज स्लीपिंग एट दैट टाइम, और अगर WH वर्ड से स्टार्ट करना है तो WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। व्हाई वॉज अनिल शाउटिंग एट दैट मोमेंट। एक और विशेष बात इस टेंस की होती है, टू एक्सप्रेस टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम दिस टेंस इज यूज। टू एक्सप्रेस टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम
this tense is used. For example, while I was working, my sister was sleeping. अब मैं आपको इसके कुछ examples बताने जा रही हूँ. Ram was making a picture when I went to meet him. Sunita was reading at that time. Sumit was working in a shop in those days. Last week, she was practicing for her stage performance. Were you helping your mother in the kitchen when I came? अब मैं आपको इन sentences के बेस पर कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ और वो sentences इसमें आपको correct form of the verb को fill करना है. इसमें दोनों ही tense शामिल है, past indefinite tense और past continuous tense. पहला सेंटेंस है आपके शी स्पेस वर्ब है गिव मी ए रिस्ट वॉच यस्टरडे. वापस सुनिए, शी स्पेस मेन वर्ब है आपके गिव मी ए रिस्ट वॉच यस्टरडे. आपको यहाँ पर गिव को करेक्ट करना है. ही स्पेस नॉट कंप्लीट हिज वर्क लास्ट वीक. He space not complete his work last week. When space you last space see your father. When space you last space main verb see your father. I space to open the door when my father was calling me. मेन वर्ब है आपके कम. आई स्पेस टू ओपन द डोर व्हेन माय फादर वाज कॉलिंग मी. मेन वर्ब है आपके कम. फिफ्थ सेंटेंस से व्हाइल लता स्पेस मेन वर्ब है सिंग ए सॉन्ग. आई स्पेस मेन वर्ब है प्ले ए पियानो. दो वर्ब दी हुई है, एक है सिंग और दूसरी है प्ले. व्हाइल लता स्पेस मेन वर्ब सिंग ए सॉन्ग. आई स्पेस मेन वर्ब प्ले ए पियानो. आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंग को करेक्ट करना है और प्ले को करेक्ट करना है. नेक्स्ट है इट began to rain when I space home on when main verb hai go. It began to rain when I space home main verb hai go. The children space at that time main verb hai sleep. The children space at that time मेन वर्ब है स्लिप. नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर टुक सम फोटोज व्हेन आई स्पेस द गार्डन और मेन वर्ब है प्लांट. फिर से सुनिए, माई ब्रदर टुक सम फोटोज व्हेन आई स्पेस द गार्डन मेन वर्ब है प्लांट. नाइन्थ सेंटेंस व्हाई स्पेस यू स्पेस क्राई लास्ट नाइट. वाई स्पेस यू स्पेस क्राई लास्ट नाइट. टेन सेंटेंस शी स्पेस टीच एट दैट डे टू हर स्टूडेंट. शी स्पेस मेन वर्ब है टीच एट दैट डे टू हर स्टूडेंट्स. ये 10 सेंटेंस है जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं. मैंने आपको आज दो टेंस बताए हैं, पास्ट टेंस के दो काइंड बताए हैं, पास्ट इनडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस. उम्मीद है आपको दोनों समझ में आए होंगे. आपको उनको अच्छी तरह से सुनना है और अच्छी तरह से सुन के
समझ के जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उस होमवर्क को करना है, घर में रहना है। थैंक्स।